हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर अमित भटनागर वर्किंग एज सीनियर सर्च ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमी एट जी बी पंथ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंत नगर उत्तराखंड हाउ मैनी लीटर वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन के जी राइस और वन के जी वीट और वन के जी मेज और एनी अदर क्रॉप एक किलोग्राम अगर हम धान या मक्का या गेहूँ पैदा करना चाह रहे हैं तो कितने लीटर पानी की जरूरत होती है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं

ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ वाटर बट राइस रिक्वायर मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर सो दैट्स वाई वाटर यूज इफिशंसी ऑफ राइस इज़ द लोएस्ट यही कारण होता है कि राइस की वाटर यूजी सबसे कम होती है क्योंकि एक किलोग्राम सीड जो हम दाना पैदा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा जरूरत होती है सो हाउ वी कैन कैलकुलेट दाटर रिक्वायरमेंट इन लीटर सो टू डेटा आर रिक्वायर्ड फर्स्ट इज द ही सपोज दे आर थ्री क्रॉप राइस ट एंड मीज सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट वॉट इज द इल्ड लेवल हाउ मच इल्ड इज रिट प्रोड्यूस्ड सपोज इट इज फोर्टी कुंटल पर हेक्टर एंड इट इज नियर अबाउट फोर्टी कुंटल पर हेक्टर ऑल्सो एंड मे इज अबाउट फिफ्टी कुंटल पर हेक्टर सो दिस इज द ग्रेन प्रोडक्शन ऑन एन एवरेज मे बी मोर और लेस ये एक एवरेज मैंने आपको बताया कि धान और जो फोर्टी फोर्टी क्विंटल पर हेक्टर है or maize about 50 and another data required is mm water is required irrigation water requirement that is in mm. So, it require about 1200 mm water, it require about 400 mm water and it require about uh, 600 mm water. So, if we know the two data then we can calculate how many liter water is required. तो ये इतना हमको पता है कि एक एवरेज यील्ड बताई है मैंने ये फिक्स नहीं है एवरेज यील्ड है और ये अप्रोसीमेट वाटर है सो दिस क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ राइस ह्यूज क्वांटिटी वाटर इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर फॉर ट्रांसप्लांटेड राइस ह्यूज क्वांटिटी वाटर इज रक्वाइयर फॉर पर्डलिंग एंड देन फॉर ट्रांसप्लांटिंग एंड वी हैव टू मेन्टेन द वाटर थ्रू आउट द राइस पीरियड बट इन केस ऑफ वीट लो वाटर रिक्वायरमेंट इज नीडेड तो ये धान में सबसे ज़्यादा राइस में सबसे ज़्यादा पानी की हमें जरूरत होती है Now with this two data we can calculate how. So, so forty, uh, if we talk about in one hectare area, in one hectare area, area, rice. If we take the example of rice, how much grain is produced? Forty quintal. Forty quintal now convert into forty into hundred. That is four thousand kg grain is produced. And what requirement is twelve hundred mm. सो इट मीन्स फोर ये देखिए जो बारह सौ एम एम पानी लग रहा है सब लग रहा है इसका ट्रांसप्लांटिंग में उसका मेन्टेनेंस में ये सारा उसका ई टी लॉस हो रहा है एवोपरेशन एंड ट्रांसपरेशन लॉस सो दिस इज द इरीगेशन रिक्वायरमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर ई टी लॉ टी एवॉपरेशन एंड ट्रांसपरेशन सो दिस इज द इन जनरल वाटर रिक्वायरमेंट सो ट्वेल्व हंड्रेड एम एम इज वाटर रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ दिस राइस इट मीन्स फोर थाउजेंड के जी ए ग्रेन इज प्रोड्यूस्ड is grain is produced when 1200 mm water is used or applied so for 1 kg grain for 1 kg grain we can calculate 1200 divided by 4000 mm so this is the water requirement cancel this 00, 0. then it is 3 upon 3 अपॉन टेन यूज द फोर देन इट इज जीरो पॉइंट थ्री एम एम सो वन के जी ग्रीन रिक्वायर दिस जीरो पॉइंट थ्री एम एम वाटर तो आपको लग रहा है वो जीरो पॉइंट थ्री एम एम वाटर तो बहुत कम है एक किलोग्राम ग्रेन को प्रोड्यूस करने में बट वन एम एम वाटर इक्वल टू वन एम एम वाटर इफ यू आर यूजिंग द वन एम एम वाटर इन वन हेक्टर बिकॉज यू आर टॉकिंग इन वन हेक्टर वन एम एम वाटर इन वन हेक्टर एरिया इक्वल टू टेन थाउजेंड लीटर अब बड़ा सरप्राइज होंगे आप कि एक एम एम वाटर को हम दे रहे हैं एक हेक्टर एरिया में तो क्या टेन टेन थाउजेंड लीटर बराबर होता ही बिल्कुल डेफिनेटली आर गिविंग द वन एम एम वाटर इन वन हेक्टर एरिया इट इज इक्वल टू टेन थाउजेंड लीटर हाउ कैसे होता है ये ये भी मैं आपको बता देता हूँ Uh, इसकी भी एक कैलकुलेशन है सपोज देर इज वन हेक्टर एरिया सपोज इट इज वन हेक्टर एरिया एंड वी आर अप्लाइंग वन एम एम वाटर हाउ मच वाटर वन एम एम वन एम एम वाटर By irrigation or by rainfall, or we we can assume that there is 1 mm rainfall. So, water depth is 1 mm. So, area is 1 hectare equal to 10,000 square meter and the depth or height, height of water, or we can say depth of water is 1 mm, then convert into meter for the calculation. Now, volume of water. वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम इज इकल टू एरिया हाइट। टू सिंपल कैलकुलेशन नाउ एरिया टेन थाउजेंड एंड हाइट इज वन थाउजेंड इट इज थाउजेंड स्क्वायर मीटर एंड इट इज वन 1000 वन थाउजेंड मीटर सो बोथ यूनिट शुड बी सेम दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए एक हेक्टर में टेन थाउजेंड स्क्वायर मीटर होता है और एक एम एम एन अपॉइन वन थाउजेंड मीटर होगा क्योंकि वन थाउजेंड एम एम टू वन मीटर

so that's why 10 cubic meter is equal to 1000 into 10 that is 10000 liter so this one 10000 cubic meter it means that this depth 1 mm 1 mm in one hectare area equal to 10000 liter this one Now in case of rice, how much water is there? 0.3 mm. So 0.3 mm water in one hectare area will be 10,000 into 0 0.3. That is 3,000 liter. So it means 40 quintal rice require 1,200 mm water, and it is equivalent to थ्री थाउजेंड लीटर पर के जी ग्रेन इसका मतलब यह हुआ कि एक किलोग्राम राइस को पैदा करने के लिए तीन हजार लीटर पानी लगेगा सो दिस इज द वे हाउ वी कैन कैलकुलेट सो दिस इज द ह्यूज क्वान्टिटी तीन हजार लीटर पानी लग रहा है एक किलोग्राम राइस को प्रोड्यूस करने में सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट फॉर द वीट क्रॉप तो वीट क्रॉप को अभी हम निकाल सकते हैं कि एक किलोग्राम वीट को प्रोड्यूस करने में कितना पानी लगेगा तो ये जैसे हमने राइस का निकाला है उसी तरह से हम वीट का निकाल सकते हैं बाय टेकिंग द एवरेज वैल्यू सो नाउ इन सच टाइप ऑफ एग्जांपल वी टेक द एवरेज वैल्यू नॉट द करेक्ट वैल्यू सो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट इज फोर्टी क्विंटल पर हेक्टर 40 quintal per hectare in case of wheat it is 40 quintal per hectare it means 40 into 100 kg that is 4000 kg and the irrigation or water is 400 mm so we can say 4000 kg wheat it is in a, 1 hectare area it is in वन हेक्टर एरिया सो ये गेहूं की जो है फोर्टी क्विंटल एक हेक्टर में है और ये फोर हंड्रेड एम एम वाटर एक हेक्टर में लग रहा है एक हेक्टर के लिए सो फोर थाउजेंड के जी वीट रिक्वायर फोर थाउजेंड एम एम ओ सॉरी फोर हंड्रेड एम एम वाटर इरीगेशन वाटर सो वन के जी वीट रिक्वायर फोर हंड्रेड अपॉन फोर थाउजेंड एम एम दैट इज

that is 1000 liter so it means 1000 liter water is required for 1 kg wheat and we have seen that 3000 liter water for 1 kg rice so this is the way how we can calculate अमाउंट ऑफ वाटर सो जो ये है राइस ऑफ़ वीट में देखिए वीट को एक किलोग्राम गेहूं पैदा करने के लिए एक हजार लीटर पानी लगता है ऑन एन एवरेज और इसी तरह से एक किलोग्राम राइस को प्रोड्यूस करने के लिए थ्री थाउजेंड लीटर वाटर लगता है इतना ज्यादा पानी लगता है इसी कारण से राइस की वाटर यूजी बहुत कम है तब यह जो वाटर रिक्वायरमेंट है इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन के जी ग्रेन डिपेंड्स अपॉन वट इज द इल्ड लेवल एंड वट इज दी इरीगेशन अप्लाइड कितनी हमने इरीगेशन दी है या रेनफॉल हुआ है या कितनी आ, और कितनी ईल्ड हुई है इन दोनों डेटा से हम कैलकुलेट कर सकते तो इन जनरल थ्री थाउजेंड वाटर फॉर वन के जी राइस एंड वन थाउजेंड लीटर वाटर फॉर वीट ग्रीन सोर्स इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट दी लीटर वाटर रिक्वायरमेंट फॉर एनी क्रॉप थैंक यू वेरी मच